हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज मेरे साथ है मेरी छोटी बहन पीपी। पीपी हाय करो। पीपी हम दोनों जा रहे हैं पाया गांव, जो कि योमगो नदी के उस पार है मेरे पीछे, जो आप देख रहे हैं। और पाया गांव जाने के लिए क्रॉस करना है हमें ये हैंगिंग ब्रिज। मेरे लिए कोई बात नहीं, आम बात है, काफ़ी इस तरह के ब्रिज में मैं गया हूँ। लेकिन पीपी सी इज स्कैर्ड ऑफ क्रॉसिंग द ब्रिज, वो डर रही है। और मैंने सोचा नहीं था कि आज वीडियो बनाऊंगा, इसीलिए ट्राइपॉड नहीं लाया, माइक भी नहीं लाया। लेकिन फिर यहाँ जब पहुँचा तो लगा कि वीडियो बनाना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इस हैंगिंग ब्रिज को क्रॉस करते हैं। पीपी आगे चले गई है। बहुत ही खूबसूरत व्यू भी आप देख सकते हैं, वो है पाया गांव। योमगो नदी के उस पार दो ही गालो गांव है, एक जो आप देख रहे हैं वो पाया, उसके बाद एक काम्बा के पास है काम्बू, जो उस दिन मैंने पिकनिक के वक्त दिखाया था। काम्बू और पाया ये दोनों ही योमगो नदी के उस पार बसने वाले गांव है, जहां पे गालो लोग रहते हैं। फिलहाल तो ये ब्रिज काफ़ी अच्छा है, एटलीस्ट तीन तख्ता तो है यहाँ पर। मुझे अब भी याद है बचपन में जब हम इस ब्रिज को पार किया करते थे मौसी के पास जाने के लिए मम्मी के साथ, तो यहाँ बस बेत से बना हुआ, जंगली बेत से बना हुआ ब्रिज हुआ करता था। पीपी को पीछे छोड़ दिया है मैंने। और इस ब्रिज को क्रॉस जो पहली बार करते हुए इसलिए डरते हैं क्योंकि काफ़ी हिलता है ये ब्रिज जब आप इसे क्रॉस कर रहे होते हैं। मेरे हाथ में तो है बड़ा सा, इसको क्रॉस कर लिया है और अब हम पैदल जा रहे हैं। यहाँ के गाँव वाले तो स्कूटी और बाइक अपना ब्रिज को पार कर लेते हैं धक्का देते हुए, उसके बाद ब्रिज क्रॉस करने के बाद चलाते हैं, बाइक चलाना मना है। और जिसके घर हम जा रहे हैं, मौसी के घर पाया गांव में, वो मौसी पीपी को कॉल कर रही है और पूछ रही है कि क्यों नहीं आ रहे हो, काफ़ी लेट हो गए हम। और पीपी झूठ बोल रही है कि हम नहीं आ पाएंगे, पर हम जा ही रहे हैं वहाँ पे। और यहाँ से पैदल काफ़ी देर तक हमें जाना है। मेरे हाथ में थैली, इसमें कुछ सामान है और अभी से ही थकान हो रही है। काफ़ी दिनों के बाद एक अच्छा खासा वॉक होगा मेरे लिए और पीपी के लिए भी। तुम्हारा हाथ खाली है बोल के आराम से आगे आगे जा रहे हैं। इसे जंप कर देगा, हो जाएगा। फाइनली बस्ती पहुंच गया, पाया बस्ती। लेकिन मौसी का घर अभी तक नहीं पहुंचा है, उधर ऊपर में बीचों बीच में। ये है मुर्गा कोकरेको वाला। तो प्लीज नहीं बोल, बूढ़ी माँ धूप सेक रहा। मोई का घर वो क्या, वो वाला जहाँ में कटहल का पेड़ छोटा वाला दिखाई दे रहा है, टीना वाला। पीपी और मैं इस वक्त पाया गांव के बीचों बीच चल रहे हैं। मोई का घर भी पहुंचने वाला है, वो ऊपर में टीना वाला जो घर दिखाई दे रहा है वो है। तुम जाओ, थक गया हम, तुम जाओ। हाय सलमान खान, नम्मत भाई उसके बाद मौसी के घर से हम निकल गए हैं। ये है मौसी का घर। अब मैं निकला हूँ थोड़ा बाहर, यहाँ पे घूम रहा हूँ गांव के बीचों बीच घूम रहा हूँ। खाना भी खा लिया, लंच भी कर लिया और यहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन चल रहा है। मेरे मौसी के सबसे बड़े बेटे हैं हेंजुम नासो, उनका कुछ यहाँ पे लाइव कहते हैं मंगनी का प्रोग्राम चल रहा था, जिसके चलते हम यहाँ पे आए। और काफ़ी सारे गांव के लोग भी हैं और इन्वाइटीज भी है और काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी सालों बाद इस गांव में आकर, मेरे मौसी के गांव में आकर, और इस गांव के लगभग सभी लोग मुझे पहचानते हैं और प्यार करते हैं, इसीलिए मुझे आना पसंद है इस गांव में भी, पाया गांव में भी। और पाया गांव में आकर भी बहुत ही एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिला। काफ़ी साफ़ सुथरा हो गया ये गाँव पहले के मुकाबले। पहले आज से अगर 7-10 साल पहले की बात किया जाए तो गाँव का माहौल ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। गांव भर में लोगों के बीच, बच्चों के सामने और इस तरह के प्रोग्राम सेलिब्रेशन में जब जहां बाहर में खाना पीना पक रहा हो वहां तो और भी ज़्यादा। पालतू सुअर यहां वहां दौड़ते थे, बच्चों के साथ खेला करते थे और उस वजह से गांव में काफ़ी गंदगी होती थी। लेकिन अब एक भी पालतू सुअर यहां पर मुझे दिखाई नहीं दिया। और ये माहौल आज वेस्ट सियांग जिले में मुझे लगता है कि हर गाँव में है,
गांव की बढ़ती गंदगी को देखते हुए गांव में आजकल पालतू सुअर को यूं ही बाहर पालने नहीं दिया जाता। अगर कोई सुअर पालना चाहता है, जो कि सुअर बहुत ही काम की चीज़ होती है गांव के लोगों के लिए, और जो अगर पालना चाहता है तो वो सुअर के लिए अलग से घर बनाते हैं। एंड आई एम मिसिंग माई ट्राइपॉड नाउ। और जैसा कि मैंने बताया था कि यमुना नदी के हम अब इस पार है, जहाँ पे बस दो ही गालो गांव है, ये है एक पाया एक काम्बू। नदी के इस पार अभी आप पीछे वह पहाड़ देख रहे हैं, उस पार से और आप उस तरफ चले जाए तो वहाँ से आदि समुदाय का इलाका शुरू होता है। और यहाँ पे अभी अभी मुझे बताया गया कि मुझे भी अब जैसे कि यहाँ मंगनी का प्रोग्राम चल रहा है मेरे मौसी के बड़े बेटे, जो कि मेरे बड़े भाई के समान हैं, तो अब यहाँ प्रोग्राम ऐसा है कि यहाँ लड़के वाले यानी कि हमारे तरफ से अब लड़की के घर में हम जाएंगे कुछ सामान लेकर, मीट वगैरह लेकर। और मैं सोच रहा था कि मैं आलो चला जाऊँगा पीपी को लेकर अभी, लेकिन यहाँ किसी ने, यहाँ के शख्स ने अगर मुझे कहा कि मेरा भी नाम लिस्ट में डाल दिया है कि लड़के वाले की तरफ से मैं भी जाऊँगा उनके ग्रुप में, शायद कुछ टोकरी में कुछ सामान वगैरह लेकर लड़की के घर जाना है हमें, मतलब भाभी जी के घर जाना है। देखते हैं क्या होता है, मेरा पहला एक्सपीरियंस रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो चलो निदा पढ़ती है, चलो आगे चलिए। गालो कम्युनिटी के ऐसे ट्रेडिशनल मंगनी में, जिसे लायब कहते हैं, ऐसे में लड़के वाले की तरफ से जब लड़की के घर जाते हैं, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। मेरे पीठ पे कम से कम 50 किलो लोकल वाइन पोका लादा गया है, ये देख सकते हैं। और जितने भी लोग जा रहे हैं सबके कंधे पे या सर पे कुछ ना कुछ है, मीट है या पोका है। This is my first experience. It's awesome. आ रहा होगा, हम माथा नहीं उठा सक रहे हैं। वो ही थे। कैमरा है ना? Hello. अब लेके अंदर आ रहा हूँ क्या? ये नो देने का। हाँ, ये हम बोला था ये तो फिलहाल हम लड़के पार्टी की तरफ से लड़की के घर में पहुंच चुके हैं। थैंक यू। क्या करें? आए हम के लिए बोले बोल दिया।
आ जाऊंगा। ये लो जुगला, थैंक यू। हम भी नहीं करते, नो नहीं नहीं करते। ये जब पिता को मौके न दो, थैंक यू। एक रहो रहे वो और अरे हम वन प्लस फाइव ना करो। इधर ये वो यूं नो नो ना जब तेरे को ना बोलो यूं ना तू ना रुए एक कटा को बे और ना मौके तो तू अलावे ना तू ये जी आधा क्लास बिचारा नहीं गुदुम रूम माए एक ना आया कम अरुमा कम ना आग जी लोग ना बोलो आग ना मत दो इंपोर्ट करो ना लारी डंग करो ये तो कहीं घुमा डबल वन ये बन रही आगे क्या नेक्स्ट घर की ओर नेक्स्ट और थर्ड घर ना। तो आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि मेरे निब हेंजम नासो के जो पत्नी है हमारी भाभी उनके घर में हम सब कुछ 8-10 लड़के माथे पे सर पे और कंधे पे पोका और कुछ मीट वगैरह जो आज दिन को वहाँ पे सेक्रीफाइस किया था सेरेमनी के दौरान तो उसको लेकर हम नियम अनुसार यहाँ के रीति रिवाज अनुसार वहाँ पे गए थे। उसके बाद उस सास ससुर के घर से ये अब तीसरा घर में हम आ रहे हैं जहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं मतलब सास ससुर के तरफ से हम लड़के वाले पार्टी बनकर गए थे अभी तक जा रहे हैं और अभी ये तीसरा घर है जहाँ पे हमें बुलाया गया इनवाइट किया गया है और घर घर में जहाँ पे हम जा रहे हैं हमें हमारा स्वागत इस तरह के लोकल पोका से किया जा रहा है। मेरे सर में एक्चुअली गड्ढा सा बन गया है वो जो मैंने उठाया था वो जो पोका था वाइन था लोकल वाइन कम से कम 50 किलो का था। उसके बाद मुझे मिला है ये दो ताबीज नुमा यहाँ तादोक शायद कहते हैं इसे ये मुझे मिला है मुझे सिर्फ मुझे नहीं जितने लोग आए थे लड़के वाले की तरफ से उन्हें ये मिला है और शायद पता नहीं क्या क्या होने वाला है तो इसे शायद ये लक के लिए है और शायद ये ब्लेसिंग है लड़की वालों की तरफ से हमारे भाभी के माता पिताओं की तरफ से तो थैंक यू भाभी और उनके मम्मी पापा थैंक यू सो मच। तो चलिए अभी तीसरा घर है ये यहाँ पे सभी नहीं जाते हैं ऐसे मौके पे कुछ कुछ लोग ही जाते हैं। गुड नाइट।
गुड नाइट। ओए सलमान खान गुड नाइट। दूल्हे राजा अरे मार्को नहीं गुड नाइट। मार्को नहीं है मार्को से ओ तागोली गुड नाइट। तागोली और मिस्टर नेम इज माय नेम इज शीला मिसर तागोली सॉरी 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 तागोली गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। इस तरह से पूरा दिन हमने आज मैंने और पीपी ने पाया गांव में बिताया। उसके बाद अब हम घर आ गए हैं और अब हम सोने वाले हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत ही जल्द मिलते हैं नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिएगा। गुड नाइट।